नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आर्टिस का यूपीएस। इसको मैंने मार्केट से ऑफलाइन में परचेज किया था, ऑनलाइन दिखा रहा था काफ़ी ज़्यादा महंगा, तो मैं दोस्तों अपने नज़दीकी दुकान पर गया, वहाँ पर मालूम किया तो मुझे ज़मीन आसमान का रेट अंतर देखने को मिला। अभी यहाँ पे बात करते हैं आर्टिस 600 VA+ की। इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। कुल 7 दिनों का मैंने इसको 7 दिनों तक यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। जब ब्राउनिक्स वगैरह का भी मैंने मालूम किया था, उसका काफ़ी ज़्यादा महंगा दिख रहा था, मुझे चाहिए था कम दाम में अच्छा UPS। तो दोस्तों ये सेम उसी कैटेगरी का है, अच्छे दामों में, मतलब कम दामों में बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिल सकता है आपको। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन इसका प्राइस देख सकते हैं, उसमें 2000 के ऊपर ही दिखाएगा। और दुकान से मैंने इसको लिया था 1800 कुछ रुपए में, इसको मैंने परचेज़ किया 1850 रुपये मैंने परचेज़ किया था। यहाँ पे आपको 3 सॉकेट देखने को मिल जाते हैं एंड नॉर्मल UPS की तरह ये भी UPS है, काम अच्छा करता है, बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है एंड एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा है, बढ़िया है। ये सामने का आप लोगो देख सकते हैं, नॉर्मल इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस नॉर्मली है बैटरी बैकअप। हाँ, जो कि उसी दामों में आपको जेब्रोनिस का भी मिल जाएगा, वो लगभग 2500-2400 के आसपास देखने को मिलेगा। ये आपको 1800 कुछ रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बॉक्स के अंदर देखते हैं लव योर साउंड, यहाँ पे आर्टिस्ट के और भी कई सारे ब्रांड आते हैं, उन्हीं का ऐड इस पर कर रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड अब निकालते हैं, इसके अंदर ये यूजर गाइड है वगैरह, ये सारी कैसे यूज करना है। देन ये आप देख सकते हैं, ये है वारंटी कार्ड, इसकी 2 साल की वारंटी मिलती है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अगर कैसे करना है रजिस्ट्रेशन आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने इस UPS को यूज करके देखा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सब कुछ बढ़िया रहा। 8.5-18 इंच के मॉनिटर के साथ अगर इसको यूज करते हैं UPS को, तो आधे घंटे से लगभग 45 मिनट तक आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप सही है, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। एंड अगर कोई चीज़ रहेगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।